देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शहर में छोटी छोटी बातों को लेकर जहां हत्या और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं युवाओं में सहनशीलता की कमी के चलते छोटे विवाद भी बड़ा रूप ले रहे हैं और मामला थाने तक जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया जब मोटरसाइकिल टकराने के मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों को लेकर समाज और संगठन तक सामने आ गया। मामला कुछ इस प्रकार है कि शनिवार को छावनी अनाज मंडी में पान की दुकान लगाने वाले दिलीप सिलावट का पुत्र जय सिलावट टू व्हीलर से आ रहा था, वहीं उसके आगे सावन ट्रेंडिंग कंपनी के मालिक विनोद अग्रवाल का पुत्र वैभव अग्रवाल अपनी टू व्हीलर से जा रहा था। अचानक से दोनों गाड़ियां टकराने से दोनों युवाओं में विवाद हो गया। हाथापाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से दोनों के पिता आमने सामने हो गए। इसके बाद मामला सामाजिक स्तर तक जा पहुंचा और छावनी अनाज मंडी बंद कराने जैसी बातें भी होने लगी। आज इस मामले में जय सिलावट एवं दिलीप सिलावट की ओर से खटीक समाज के लोग यशवंत टॉकेज रोड पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने पर पहुंचे और वैभव अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इन लोगों ने गाली गलौज के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग भी किया है तथा जय सिलावट की दुकान पर जाकर उसके साथ मारापीटी की है। वहीं इसी मामले में वैभव अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल के साथ छावनी अनाज मंडी के कुछ व्यापारी पदाधिकारी तथा अग्रवाल समाज जन भी पलासिया कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर जय सिलावट एवं दिलीप सिलावट के खिलाफ मारापीटी करने एवं अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। वैभव अग्रवाल ने कहा कि पहले उनके साथ सिलावट पिता पुत्र ने मारापीटी की है। वहीं इस मामले में खटीक समाज के जितेंद्र सिलावट ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना गलत है और इस मामले में पूरा खटीक समाज एक है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस या कार्रवाई हेतु शिकायत की गई है। मामला हुआ, आप यहाँ पे थाने में शिकायत कराना है, क्या किस तरह का मामला हुआ था आपके साथ? मैं मेरे दुकान से सामान लेने के लिए जा रहा था तो वहाँ पर बेवो नाम के लड़के से मेरी बाइक से टकरा गई, जिससे उसने मुझे मारा। मारने के बाद उसके पिताजी को लेके आया और दुकान में 20-25 जने घुस गए, जिससे मेरे पिताजी को भी हाथापाई करी, उनसे मारा कुटी करी। मारने के बाद जान से मारने की धमकी और खटीकले नीची जाति का बोलकर धमकाते हुए गए कि तुम्हें जान से मार देंगे। कहाँ पर आपकी दुकान है और जिससे मारा? छावनी अनाज मंडी में हमारी दुकान है, पान की, हम वो चलाते हैं। सामने वाला जिस जो है उसकी भी वही दुकान है? उसकी भी वही दुकान है जी, सावन ट्रेडिंग नाम से है। तो उसके बाद आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है? हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करी उन लोगों ने और हमें जान से मारने की धमकी दी। और आज आप लोग भी यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराना है, क्या कहना चाहेंगे? खटीक समाज एक साथ यहाँ पे आया पूरा इसको लेकर? हम सब खटीक समाज यहाँ पर इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि वो हमारी दुकान तोड़वाने के लिए एकत्र हुए और कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं। भाई साहब बताएं, आज हम जो देख रहे हैं आप लोग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो थाना है यहाँ पर आए रानी सराय में, क्या मामला हुआ, किस मामले? मामला ये है कि अजय सिलावट और दिलीप सिलावट जो है मंडी के गेट के पास में चाय की दुकान और पान की दुकान लगाते हैं। वो चाय की दुकान के ऊपर विनोद अग्रवाल जी का लड़का है, वो वैभव अग्रवाल, वो वहाँ से निकल रहा था तो कुछ रोड के ऊपर बारिश के चक्कर में वहाँ खड़े होकर के उन दोनों का हल्का सा एक विवाद हुआ। उस हल्के से विवाद के अंदर वो दोनों ने लड़ाई झगड़ा मुआ ठेठी कुछ भी हुआ उनका, तो होने के बाद में वो झगड़ा हो गया था समाप्त। उसके बाद में व्यापारियों के कम से कम 10 से 15 लड़के और व्यापारी लोग वहाँ पर दुकान के ऊपर आए और दिलीप सिलावट और अजय सिलावट जो दुकान के अंदर अपना कार्यरत थे उनके ऊपर आते ही से ना बात करी ना कोई चीज करी और आते ही से उनके ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया, दुकान में तोड़फोड़ करी, दुकान में घुस के मारा कूटी करी और उल्टा व्यापारी एसोसिएशंस का पूरी तरीके से मिस यूज कर रहे हैं वो दोनों मिल करके, जिसके अंदर मनोज काला बोर्ड मेंबर है जो अपने व्यापारी एसोसिएशंस का, उनको समझना चाहिए। आज की तारीख में मंडी सचिव ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि मंडी को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि ये मामला मंडी के अंतर्गत नहीं आता है और मंडी व्यापार के अंतर्गत नहीं आता है। मंडी सचिव ने इस मामले को अपनी सूझबूझ से सही तरीके से निपटाया है, लेकिन इसमें मनोज काला और व्यापारी एसोसिएशन एक व्यक्तिगत झगड़े को लेकर के पूरी तरीके से अपने संगठन का मिस यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर अभी कलेक्टर करने गए वो लोग
कलेक्टरगंज एक बजे उनकी मीटिंग है, रावजी बिहार थाने में जाकर के रिपोर्ट करा रहे। मेरा सिर्फ इतना सी कहने का ये मतलब है कि एक व्यक्तिगत झगड़े के अंदर, एक व्यक्तिगत मगजमारी के अंदर आप अपने संगठन का ऐसे मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं और उस झगड़े को, व्यक्तिगत झगड़े को एक बड़ा इशू बना करके ज़बरदस्ती की उनकी दुकानों के ऊपर आकर के दादागिरी कर रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं वहाँ पे और जाकर के वहाँ रिपोर्ट करा रहे हैं। जो आप हरिजन थाने में आए, आपने रिपोर्ट लिखी है, तो यहाँ क्या मामला, मतलब हम दिलीप सिलावट, जय सिलावट जो वहाँ पे चाय की दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा धंधा लेकर के बैठे हैं, अगर उनके साथ में व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से कोई अन्याय होता है तो हमारा समाज, खटिक समाज, दलित समाज पूरी तरीके से लामबंद होकर के इस चीज़ का विरोध करेगा। क्या कुछ व्यक्तिगत जाति सूचक शब्दों से वहाँ पर जैसे इनका आपस में विवाद हुआ, लेकिन वो 15-20 लोग जब आकर के दुकान के अंदर हमला करते हैं उस समय उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा, खटिक वगैरह ये वो जात बखान करके हम लोगों से वहाँ पर, हमारे भाइयों से वहाँ पर झगड़ा करा। अब व्यापारी एसोसिएशन अगर इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेगा तो हमारा खटिक समाज, दलित समाज पूरी तरीके से इस चीज़ का विरोध करेगा। जैसे वो कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं हमारे खिलाफ़ बयान देने के लिए, रावजी बिहार थाने में जा रहे हैं, तो हमारा समाज भी पूरा एकत्रित होकर के अनुसूचित जाति के अंदर आया है। और मैं आपके माध्यम से और आपकी मीडिया के माध्यम से प्रदेश के जितने भी आला अफसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ये छोटा सी विवाद था, व्यक्तिगत विवाद था, इसको बड़ा इशू ना बनाए और इस झगड़े को व्यक्तिगत विवाद के तहत अलग ही निपटा दे। इसको मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने जो बड़ा इशू बना रखा है उसको हम विरोध करते हैं और हमारा पूरा समाज लामबंद है और इस चीज़ का हम विरोध करें। ये जो पूरा मामला है, पूरा खटिक समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ खटिक समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हमारे खटिक समाज के मेम्बरों पर जो अत्याचार हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। ये एक्सीडेंट केस था, इसको 279 में ख़त्म करना चाहिए था। आपस में दो स्कूटर आपस में टकरा रहे हैं, उसको व्यापारी लोग इसको इतना बड़ा तुल पकड़ा रहे हैं। वहाँ ये जानकारी लगी कि इनकी दुकान के ऊपर गए और दिलीप सिलावट और उनको बोला कि खटिक में तेरी दुकान कैसे चला रही है, यहाँ हमारी वजह से दुकान चल रही है, भविष्य में तेरी दुकान ही हटवा देंगे, तोड़वा देंगे हम। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यदि हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ ऐसा होता है तो हम पूरे मध्य प्रदेश के खटिक संघ के जितने भी लोग हैं सब इसका आंदोलन करेंगे। कुछ मारापीटी की घटना हुई थी जय सिलावट और आपके बीच में, क्या जी सर? मैं घर से दुकान के लिए निकला था और जब मैं यहाँ मंडी में एंटर हुआ तो मंडी गेट से आगे आने के बाद बाहर गोपाल ट्रेडर्स है, वहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया, वहाँ से जय सिलावट जो है वो स्पीड में आ रहे थे, हमारी बाइक टकराई। मेरी मेटेलिक बाइक थी, उसमें नुकसान नहीं हुआ, उनकी गाड़ी में थोड़ा कुछ नुकसान हुआ। उन्होंने बातचीत भी नहीं करी और मुझे बाइक से उतरते ही उन्होंने थप्पड़ लगाए। उसके बाद जब मैं बाइक से उतरा तो वो एक थे, पहले उनके पिताजी आ गए और दो चार लोग उनके साथ वाले आ गए, उन्होंने मुझे गिरा दिया और मुझे बहुत बेशर्मी की तरह, बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने। वो फिर एक पत्थर भी उठाकर लाए थे, मेरे को बचा लिया किसी ने उस पत्थर से, और एक पाइप भी निकाल कर लाए थे मारने के लिए। मेरी मतलब आँख से लेकर मेरा फेस पूरा सूज गया, मेरी हड्डियाँ पूरी स्वेल है, मेरे हाथ पैर की हड्डियाँ पूरी स्वेल हुई और मुझे बाउंस भी बहुत है। जो सामने वाला पक्ष वो कह रहा है कि आपने और आपके साथ में 15-20 व्यापारी, हमारे साथ कोई व्यापारी किसी ने हाथ नहीं लगाया उन लोगों को। कुछ जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग आपने किया? हमने किसी तरह के शब्द का उपयोग नहीं किया, उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे माँ बहन की गालियाँ दी है पूरे टाइम मारते मारते। अभी आपने इसकी शिकायत कहाँ कर दी है? हमने शिकायत रावजी बाजार थाना में सबसे पहले FIR करी थी, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस से हम लोग गए थे आज, और उसके बाद रावजी बाजार का यहाँ DSP को ट्रांसफर किया उन्होंने केस। क्या आश्वासन मिला गया? उन्होंने कहा है कि इस जो भी है मंडी में, हमने जो भी कंप्लेंट डाली है वहाँ पर मंडी इशूज़ की, उसको 2-3 दिन में रिजॉल्व किया जाएगा और हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया जाएगा कमिश्नर द्वारा। क्या पुरानी कोई रंजिश है क्या आपसे? नहीं, मैं यहाँ मंडी में ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर आए सिर्फ 1 महीना हुआ है, मैं यहाँ काम सीखने आ रहा हूँ। ये लोग दादागिरी है इनकी प्योर, और दादागिरी के तहत ही मुझे मारा गया है। साथ भी मारापीटी हुई थी, क्या मामला हुआ था पूरा? सर ये जो परसों जो दुर्घटना हादसा हुआ है इसमें मेरे बेटे को जय सेलावाड और उसके पिताजी के द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया है, और ये उस समय मैं स्पॉट में मौजूद नहीं था। मुझे दुकान से खबर आई कि बच्चे को इस तरह से बहुत मारा गया है, इसको अस्पताल लेके हमें चलना है। मैं भागता हुआ जिस जहाँ पे व्यापार में था दुकान पर आया और उसकी स्थिति देखते हुए मैं थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। मुझे मालूम पड़ा इन व्यक्तियों ने मारा, मैं उनकी दुकान पर बात करने गया, पीछे से मेरा बच्चा भी आ गया, उनसे बात करने गया। बात करने से शुरुआत उन्होंने वहाँ पर वापस हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई शुरू करते वहाँ फिर नए सिरे से हम दो ही बाप बेटों को उन्होंने बुरी तरह वापस हम दोनों को मारा वहाँ पे उस जगह पे भी। वो लोग कह रहे हैं कि आपने 15-20 व्यापारियों के साथ मिलकर मारा? बिल्कुल सब झूठा उनका बयान है, किसी प्रकार से कोई व्यापारी ने कोई
इस तरह को हरकत नहीं की है, पूरा झूठा बयान है। और जहां जहां भी वो कंप्लेन डाल रहा था झूठी कंप्लेन है उनकी, किसी प्रकार से उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार हानि नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने हमारे ऊपर ही प्रहार करा जो भी करा। सूचक शब्दों का उपयोग करने की बात कही, बिल्कुल झूठी बात है। इस प्रकार के हम व्यापारी आदमी है, ये हमारे खून में नहीं है इस प्रकार का बात करना, इस प्रकार का व्यवहार करना किसी से। क्या आपने मामले की शिकायत की थी? हमने जिस दिन के ये विवाद हुआ FIR दर्ज करी थी रावजी बाजार थाने में।